ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ UGC NTA NET। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर TGT PGT और GIC एग्ज़ाम की। वैसे फ़िलहाल तो मैंने कुछ दिनों से जो वीडियो अपलोड करनी शुरू की है तो उसमें TGT और PGT पर ज़्यादा फोकस और GIC पर ज़्यादा फोकस करते हुए मैं उन्हीं राइटर का डिस्कशन आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि उनका एग्ज़ाम एकदम ये मान के चलिए कि हमारे एकदम सर पर है, तो इसलिए पहले हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे TGT PGT एंड GIC की। दूसरी चीज़ ये भी है कि मैंने इसी सीरीज़ में शेक्सपियर का वर्क और उसके प्लेज आपके साथ डिस्कस किए, विलियम वर्ड्सवर्थ को आपके साथ डिस्कस किया, जॉन कीट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। आज इसी में नेक्स्ट जो हमारे पास राइटर हैं या नॉवलिस्ट हम जिनको जानते हैं जिनको इस नाम से, वो है चार्ल्स डिकेंस। आज हम डिस्कशन करेंगे चार्ल्स डिकेंस के बारे में। चलिए देखते हैं। चार्ल्स डिकेंस का जो पीरियड था 1812 टू 1870 के बीच रहा। कब रहा? 1812 टू 1817। और ये कहाँ पर इनका बर्थ प्लेस है? हैम्पशायर। इनका बर्थ प्लेस हैम्पशायर है, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इसके बारे में। बात आती है नॉवेल्स की, इनके कौन कौन से नॉवेल थे। तो नॉवेल की बात करें तो पहला है इस पहली जो वर्क था, अगर आप पहले वर्क की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क था इनका स्केचेस बाय बोस, एक शॉर्ट स्टोरी थी। पहला वर्क क्या था? स्केचेस बाय बोस, एक शॉर्ट स्टोरी थी। ये फर्स्ट वर्क हम कह सकते हैं इसको, फर्स्ट वर्क था। कब आया? 1836 में। SS करके लिख लीजिए, शॉर्ट की यूज़ कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपको इजी पड़ जाएगा फिर आगे तक के लिए याद रखना भी। तो क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट स्टोरीज थी। पिकविक पेपर्स की बात करें, पिकविक पेपर्स इनका फर्स्ट नॉवल था। मतलब फर्स्ट क्या था वर्क? शॉर्ट स्टोरी थी। शॉर्ट स्टोरी में मैंने आपको नाम दे दिया है, स्केचेस बाय बोस 1836 में आई थी, शॉर्ट स्टोरी थी, फर्स्ट वर्क था, ऐसे समझिए। बात आती है अगर पहले नॉवल की तो पिकविक पेपर्स 1837 फर्स्ट नॉवल था। ये क्या था इनका? फर्स्ट नॉवल था। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि फर्स्ट नॉवल कौन सा था, सेकंड कौन सा था, लास्ट कौन सा था, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो मैं आज आपके सामने ये इनका वर्क डिस्कस कर रही हूँ, ये मैंने काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के जब मैंने स्टडी किया तो उनके अंदर से जो नॉवेल्स निकल करके आए। नॉवेल और वर्क तो बहुत ज़्यादा है चार्ल्स डिकेंस का, अगर हम सारा डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन क्यों ना हम स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ें, स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक नॉवेल, या सिर्फ वही नॉवेल क्यों ना तैयार कर लें पहले जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि रिवीजन टाइम है, जाहिर सी बात है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉन्क्लूजन ऑफ द कंटेंट निकाल कर हम सिर्फ उन्हीं नॉवेल का डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। पिकविक पेपर्स फर्स्ट नॉवल था, 1837 में पब्लिश हुआ। ऑलिवर ट्विस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी थोड़ी स्टोरी पढ़ लीजिएगा, 1838 सेकंड नॉवल। ये कौन सा नॉवल था इनका? ये सेकंड नॉवल था। फर्स्ट नॉवल कौन सा था? पिकविक पेपर्स था, ठीक है। सेकंड नॉवल ऑलिवर ट्विस्ट था। अब बात ये मैं इसीलिए शॉर्ट की यूज़ कर देती हूँ, NOV नॉवल, यानी कि निकोलस निकलबाय 1839 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट था द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, 1841 में आया। बांड बाय रोज, 1841 में आया, ये पब्लिश हुआ। अवर म्यूचुअल फ्रेंड, 1864 में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात? क्योंकि ये इनका लास्ट नॉवेल था, सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ाया है बीच में, लेकिन आप इसको याद रखिए, इसीलिए डाला है। 1864 में इनका ये लास्ट नॉवेल आया था, इसके बाद इन्होंने नॉवेल नहीं लिखे थे, बस ऐसे समझिए। क्या है? अवर म्यूचुअल फ्रेंड, कब आया? 1864 में लास्ट नॉवेल। ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ये इनका बहुत अच्छा और बहुत मतलब मोस्ट पॉपुलर इनका नॉवेल है, 1859 में पब्लिश्ड हुआ। और इसमें दो सिटीज़ की बात हुई, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए टू सिटीज़ में कौन से दो शहरों की बात हुई है, कौन से दो सिटीज़ की बात हुई, कौन से दो, अगर हम बात करें तो वो कौन सी दो कंट्री थी जिनका जिक्र हुआ, तो लंदन और पेरिस। कहाँ से थे वो दो सिटी? लंदन और पेरिस की बात हुई है। और ए टेल ऑफ टू सिटीज़ में ए क्रिसमस कैरोल 1843 में, मार्टिन चेज़लेवेट 1844 एंड डॉम्बी एंड सॉन 1848, ब्लैक हाउस 1853 पब्लिश, हार्ड टाइम्स 1854 एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी याद रखिएगा, 1861 में पब्लिश हुआ। अब बात आती है आगे डेविड कॉपरफील्ड 1850 में आया, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। क्या थी ये? ऑटोबायोग्राफी, इसे वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। क्या थी इनकी? ऑटोबायोग्राफी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं बता दूं आपको, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। लिटिल डॉरिट 1855 में पब्लिश हुआ, एंड द मिस्ट्री ऑफ एडविन रूड 1870 में आया।
क्या था? द मिस्ट्री ऑफ एडविन रूड 1817 में पब्लिश हुआ ये नॉवल। इसको ध्यान रखिए, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि लास्ट नॉवल जो था इनका वो अवर म्यूचुअल फ्रेंड था, ठीक है? इस तरह से करके याद रखेंगे, अवर म्यूचुअल फ्रेंड। ये म्यूचुअल फ्रेंड वर्ड हम ज़्यादातर कहाँ देखते हैं? फेसबुक पे देखते हैं। थोड़ा कोरिलेट करिए ना, याद रहेगा हमेशा। तो चार्ल्स डिकिंस ने क्या लिखा था? अवर म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक। तो फेसबुक पे हम ये टर्म्स मतलब जो है यूज़ होती है बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड की। बस इस तरह से याद रखिए कि ये इनका लास्ट नॉवल था। कब आया था? 1864 में आया था। अगर आप इस तरह कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर आसानी होगी और आगे भी आप इसको याद रखेंगे। चलिए, ये सब नॉवल हो गए। अदर वर्क्स की बात करते हैं, यानी इनके और कौन कौन से वर्क थे या जिसमें हम कह सकते हैं कि और भी तो शॉर्ट स्टोरीज लिखी होंगी ना। शॉर्ट स्टोरीज इनकी है काफ़ी, तो उसी में से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज है द काइमेस 1844, द क्रिकेट ऑन द हार्थ 1845 में पब्लिश हुई, द बैटल ऑफ लाइफ 1846 में, द हॉन्टेड मैन एंड द गॉस्ट बार्गेन 1848 में। ये वो शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं या बने हुए हैं, ठीक। इसमें दो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है द क्रिकेट ऑन द हार्थ, बार बार रिपीट हुई है, एंड द बैटल ऑफ लाइफ, बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको इस तरह से कर लीजिए मार्क। नेक्स्ट आता है एंथोलॉजीज वर्क। एंथोलॉजीज वर्क को हिंदी में कहते हैं संकलन कार्य, जैसे कि कुछ पद लिखना, आर्टिकल वगैरह लिखना या एडिटिंग करके किसी वर्क को करना, तो ये कहलाता है आपका एंथोलॉजीज वर्क। इसमें हम बात करेंगे ग्रेट लॉ एंड ऑर्डर स्टोरीज इनका लिखा हुआ है, ग्रेट लॉ एंड ऑर्डर स्टोरीज एंड टेरिफाइंग घोस्ट, ये इनका लिखा हुआ वर्क है इसमें एंथोलॉजीज में। इसको भी याद रखिएगा, टू एंथोलॉजीज मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट लॉ एंड ऑर्डर स्टोरीज और नंबर सेकंड इज टेरिफाइंग घोस्ट, ये इनका सेकंड था। बात आती है मिसलेनियस की, ए चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये इनका मिसलेनियस वर्क था और 1854 में ये वर्क आया था। क्या था ये? थोड़ा सा कैटेगरी में बांटा है इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आगे पीछे हो गया है, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि कैटेगरीज में अगर आप बांटेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस में नहीं आ पाता है फिर। अब जैसे यही था, ए चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड 1854 में लिखा गया वर्क है, इस तरह से इनका ये वर्क है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें जिसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, मतलब ये तो खुद ही एक कॉन्क्लूजन ऑफ द कंटेंट है। अगर इनके ऊपर भी हम बात करें कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, तो सबसे पहली चीज़ जिनकी शॉर्ट स्टोरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके वर्क को बार बार पूछा गया, ऑलिवर ट्विस्ट को बार बार पूछा गया, द टेल ऑफ टू सिटीज़ को बार बार पूछा गया है, ये भी मैं बता दूँ आपको, और इसमें आता है आपका लास्ट नॉवल अवर म्यूचुअल फ्रेंड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ये पूछा गया है, और इसी में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हार्ड टाइम्स के ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं, हार्ड टाइम्स और डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल, तो आप पूरा ही पढ़ डालिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? ये जिन नॉवेल की मैं आपसे बात कर रही हूँ उनको तो आप ज़्यादातर इनकी स्टोरी पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी के कैरेक्टर पूछे गए हैं तो किस ईयर में ये पब्लिश हुआ कभी ये पूछा गया है, या फिर इसके राइटर कौन थे, हु वाज द राइटर ऑफ द डेविड कॉपरफील्ड, या हु वाज द राइटर ऑफ द ए टेल ऑफ द टू सिटीज़, बताइए इसके राइटर कौन थे, इस तरह करके भी पूछे गए हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस, तो बेहतर होगा कि आप इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे तो जितने भी नॉवल मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए बहुत ज़्यादा इनका वर्क है, बहुत ज़्यादा मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, ये भी मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सिर्फ वही नॉवल मैंने डिस्कस किए या वही वर्क डिस्कस किया है जिन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, रिपीट कौन कौन से हुए हैं बार बार, उनको मैंने आपको टिक मार करके दे दिया है कि ये इनका वर्क बार बार रिपीट हुए हैं या इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। ज़्यादा बनने की बात आती है ना कि किसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, तो डेविड कॉपरफील्ड इन्हीं में से एक है। फिर आता है आपकी शॉर्ट स्टोरीज, द क्रिकेट ऑन द हार्थ एंड द बैटल ऑफ लाइफ, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, द हॉन्टेड मैन एंड द गॉस्ट बार्गेन 1848, और एंथोलॉजीज वर्क टू वर्क था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एंड मिसेलेनियस वर्क सिर्फ एक था, ए चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इस तरह करके अगर आप इसको पूरे को बहुत अच्छे से कम इतना तो आप दिमाग में अपने बिठा ही लीजिए, इतना तो जो बच्चे TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश से वो इतना तो पढ़ ही लें, जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसके बाहर नहीं आएगा, इसी को घुमा फिरा के वो पूछेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने बार बार कह रही हूँ आपसे इस वीडियो में कि प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चंस थे उन्हीं बेस पर मैंने क्या किया है, इनके नॉवल उनके वर्क को निकाला है, इसलिए थोड़ा आपको अलग लग भी रही होगी ये वीडियो, तो लिहाजा आप इस तरह से प्रिपरेशन करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी चार्ल्स डिकेंस के, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका रिपीटेशन बार बार हुआ है, या फिर वो ऐसा वर्क होगा जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिनमें हमारे क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है,
तो नेक्स्ट वीडियो मैं फिर आपसे आकर के मिलूँगी एक नई कंटेंट के साथ, एक नए तरीके से तैयारी कराने का मैनर्स जो मैं आपको बता रही हूँ बार बार उस तरीके के साथ। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और इसका आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। ओके, बाय।